अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आयशा महफूज, आप लोगों की ब्यूटिशियन। और मेरे नए देखने वालों को मैं बताती चलूँ कि हमारी मेकअप ऑनलाइन हेयर कटिंग और हेयर कलरिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम लोग हेयर कलर की क्लास कर रहे हैं। मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, लाइफ साइकिल बता चुकी हूँ हेयर्स का, और हम लोग आजकल जो है वो डिटेल से कलर व्हील के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कलर्स के बेस कलर्स के बारे में बात की है और उनके अंडर टोन के बारे में, यानी अंडर कोट के बारे में बात की है। आज हम उसी चार्ट को लेकर चलेंगे और उसके अंदर जो है हम फैशन डाई के बारे में बात करेंगे, यानी फैशन कलर के बारे में बात करेंगे। तो जो है वो फैशन कलर के बारे में हम बात कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि हमारे बेस कलर्स जो हैं वो 10 कलर के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और ये अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन कलर के अंदर डिवाइडेड होते हैं। इसी तरह इनके अंडर टोन जो है वो, यानी अंडर कोट जो है वो मैंने आपको बताया कि हर जो आपके स्किन है या आपकी हेयर्स हैं उनके अंदर 3 कलर्स हैं, जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड ब्लू और येलो। तो जो अंडर कोट होती है वो भी इन्हीं कलर्स से मिलकर बनाई जाती है, यानी कि बनी हुई होती है हमारे बालों के अंदर। अल्लाह ताला ने जो है वो इसको जो है वो बिल्ड किया हुआ होता है। जब हम बालों का कट डाउन करते हैं, यानी हमने बालों को डी कलर करना है, तो हमारे बालों के ऊपर जब कट डाउन लगता है, तो क्योंकि हमारे बालों के अंदर 3 पिगमेंट हैं, ब्लू, येलो और रेड, तो जब हम बालों के कलर को काटेंगे तो उसके अंदर जो 3 पिगमेंट्स हैं वो हमें नज़र आएंगी। अब क्या होता है कि ब्लू की पिगमेंट, यानी ब्लू जो है वो बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाला होता है, तो वो फौरी तौर पर क्यूटिकल ओपन होते ही निकल जाता है, तो वो इतना पता नहीं चलता। दैट्स वाई हमें जस्ट 2 पिगमेंट्स नज़र आती हैं, जो कि येलो होती है या फिर ऑरेंज होती है या फिर जो है वो रेड होती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि ब्लैक में ब्लू होता है, वेरी डार्क में वेरी डार्क रेड होता है, डार्क ब्राउन के अंदर डार्क रेड अंडर कोट होता है, ब्राउन में रेड होता है, लाइट ब्राउन में रेड ऑरेंज होता है, डार्क ब्राउन में ऑरेंज अंडरटोन होती है उसकी, ब्लॉन्ड में ऑरेंज येलो, यानी दो होती हैं। अब आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो वेरी नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में बताती चलूँ कि फैशन कलर्स कैसे बनते हैं। इन्हीं कलर्स के अंदर जो है वो फैशन कलर्स जो है वो बनते हैं। अब मैंने बताया ब्लू, रेड और येलो जो है ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। इन कलर्स के आपस में मिलने से क्या होता है, जब हम 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो एक सेकेंडरी कलर बनता है। इस तरह हमारे पास 6 कलर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब इन कलर्स के साथ हमने जो है वो अपने कलर्स को डिफाइन कैसे करना है, हमारा जो 0.1 की जो हमारा 0.1 है वो हमारा क्या है, ऐश की सीरीज़ है। नंबर 2 जो है वो हमारी वॉयलेट की सीरीज़ है। नंबर 3 जो है हमारा गोल्ड येलो, यानी गोल्ड की सीरीज़ है। नंबर 4 जो है वो हमारा कॉपर की सीरीज़ है। ठीक है, अब नंबर 5 जो है वो हमारे मोहागनी। अब मैं आपको बता चलूँ कि ऐश के अंदर क्या होती है, ब्लू की पिगमेंट ज़्यादा होती है। 2 में क्या होता है, हमारा वॉलेट की पिगमेंट ज़्यादा होती है। नंबर 3 जो है हमारा गोल्ड को उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया, उसमें येलो पिगमेंट ज़्यादा होती है। कॉपर यानी ऑरेंज। नंबर 5 मोहागनी। मोहागनी क्या कलर होता है, इसके अंदर 2 कलर से ये मिक्स और मैच करके बनता है, ये होता है वॉयलेट और ऑरेंज, यानी वॉयलेट और ऑरेंज से जो मिक्स करके बनता है, यानी दोनों सेकेंडरी कलर्स को जब मिक्स करते हैं तो एक एक जो कलर बनता है उसको नाम दिया जाता है मोहागनी का। अब कुछ कंपनियां जो हैं वो नंबर 5 पे मोहागनी करती हैं, कुछ नंबर 0.6 पे मोहागनी डालती हैं। नंबर 6 पे जो नंबर 0.6 है ये है रेड। ठीक है, इसके अंदर जो है वो रेड ज़्यादा होता है। नंबर 7 मैं पॉइंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि नंबर तो हम पढ़ चुके, 1 to 10 बेस कलर हमने पढ़ लिया, ये चेंज नहीं हो सकता। आज मैं आपको फैशन कलर बता रही हूँ, वो हमारे पॉइंट्स में जो हम जिन नंबर्स को काउंट करते हैं वो हमारे फैशन कलर के अंदर आ जाते हैं। इन कलर्स को बदला नहीं जा सकता। और ये जो 0.1 की अब हम सीरीज़ में आ गए, इनकी फैमिलीज़ के अंदर आ गए। देखिए, तो हमने अब हम 7 पे आ गए, मैट। ये मैट कलर क्या होता है, ये ग्रीन कलर से बनता है। ठीक है, नंबर 8 जो है मोका। मोका जो है वो उन
वो कलर बनता है सबके अंदर मिक्स एंड मैच करके, ठीक है, यानी सारी 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 पिगमेंट उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये आप लोग इसको समझ रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे बेस कलर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं चेंज नहीं होते, उनके अंदर ये अंडर कोट्स यही मौजूद रहती हैं। अब हमने फैशन कलर बनाना, ये तो हमारे नेचुरल है ना, यानी अगर आप पाकिस्तान और इंडिया में पैदा हुए हैं तो आपके बाल जो हैं वो 4 से 6 लेवल तक के बाल होंगे। अगर आप जो हैं वो आप बाय बर्थ आप जो हैं वो हैं ही वहाँ के यूरोपियन कंट्री के हैं तो आपके येलोइश टोन के अंदर बाल आएंगे, और अगर आप जो हैं वो अफ्रीका के अंदर हैं तो आपकी इस टोन के अंदर बाल आएंगे। तो ये तो नई चीज़ हो सकता है। अब जब हमारे फैशन कलर पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब किए जाते हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, इन अदर मैं आपको जो है वो कार्ड के ऊपर भी शो करूँगी, मेंशन करूँगी। तो गाइस मोका कलर मैंने आपसे कहा कि इन तमाम कलर्स को मिक्स करके जो है वो बनता है। अब जैसे जो है वो आप कोका कोला को ले लीजिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है और ना वो बहुत ज़्यादा ब्राउन होती है। तो इसी तरह जब सारे कलर्स को मिक्स करते हैं तो जो कलर बनता है वो मोका कलर बनता है। अब ये जो कलर्स मैं आपको बता रही हूँ, 0.1 ब्लू की यानी ऐश की सीरीज है, 0.2 जो है ये आयरिस डिसेंट की सीरीज है, नंबर 0.3 जो है ये गोल्ड की है, नंबर 0.4 ये कॉपर की है, ये 5.5 महागनी, 0.6 रेड, 0.7 मेट, 0.8 मोका, ठीक है। तो ये जितने भी ये कलर्स हैं ये रिफ्रैक्शन कलर हैं। बेस कलर्स आप लोगों को मैंने बता दिया, उनका अंडर कोट मैंने आपको बता दिया, और आप लोगों को आज मैंने इनके रिफ्लेक्शंस भी बता दिए हैं। अब क्या है, अब एक कलर जो है वो हमारा 4 लेवल का हेयर है और उसे हमने जो है वो लेवल 6 तक लेके आना है। अब हमारा जो 6 का लेवल का हेयर है उसके अंदर हमारी क्या है पिगमेंटेशन जी गाइस, तो हमें जो है वो डार्क ब्लॉन्ड की तरफ लेके आना है, और हमारा हेयर जो है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है, और उसके अंदर पिगमेंट क्या है डार्क ब्लॉन्ड की पिगमेंट क्या है, यानी उसकी अंडर कोट क्या है ऑरेंज है, ठीक है। तो अब अगर हमने उसके अंदर क्या किया कि हमने उसे कट डाउन किया, ठीक है, तो हमें उसे 6 पॉइंट अगर हमने ज़ीरो कर दिया तो ज़ीरो क्या है वो लाइटनर कलर है, यानी जो ज़ीरो जो है वो लाइटनर के तौर पे यूज़ होता है। अब 6.0 जो है वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, वो आ जाएगा डार्क इंटेंस ब्लॉन्ड की तरफ, ठीक है जी गाइस। तो हमने क्या करना है, हमने लेवल 4 को लेके आना है लेवल 6 के ऊपर। लेवल 6 में क्या है हमारे पास डार्क ब्लॉन्ड कलर है, और डार्क ब्लॉन्ड के मैंने आप लोगों को पहले से पिछली क्लास में भी बताया कि अंडर कोट क्या है ऑरेंज। अब अगर आप कलर उठाते हैं अपना फैशन डाई उठाते हैं 6.0 या 6.00, तो उसमें क्या आपके पास शेड आएगा कॉपर कलर आएगा उसके अंदर, आपको डार्क ब्लॉन्ड अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पिगमेंट है ऑरेंज की। जब आपने 6.0 उठाया तो वो आपकी जो है वो ऑरेंज ज़्यादा इन्हेंस हुआ और वो कॉपर कलर के अंदर चेंज होके आ गया। अब अगर आप उठाते हैं 0.1 क्या मैंने आपको बताया ब्लू, तो जब आपने 6.1 उठाया और आपने अपने बालों के ऊपर वो अप्लाई किया तो वो क्या करेगा ब्लू कलर जो है वो ऑरेंज को कट करेगा, और जब कट करेगा तो आपके पास एग्जैक्ट जो आपका डार्क ब्लॉन्ड कलर है वो आपको अचीव हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अपोजिट कलर्स हैं ये एक दूसरे को कट करते हैं, जैसे ये दो प्राइमरी कलर मिलके एक सेकेंडरी कलर बनाते हैं, इसी तरह जो भी कलर आपने यहाँ पे देखा है उसके ऑपोजिट जो कलर होता है वो उस कलर को कट करता है और फिर ऑरेंज को कट करता है ब्लू। तो जब आपने 6.1 कलर लगाया अपने बालों के ऊपर तो आपको एग्जैक्ट ऐश डार्क ब्लॉन्ड कलर मिला, क्योंकि उसके अंदर 0.1 ने ऑरेंज कलर के पिगमेंट को कट किया और आपको एग्जैक्ट कलर मिल गया। तो आप मैंने तो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है।
अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बेस कलर क्या हैं, उनके अंडर कोट्स क्या हैं, ये जितने भी कलर्स हैं वो किससे मिलके बन रहे हैं, वो हमारे प्राइमरी कलर से मिलके बन रहे हैं, प्राइमरी कलर से जो है वो हमारे सेकेंडरी कलर मिल रहे हैं, और सेकेंडरी कलर से ही हमने ये कलर्स निकाले हैं जो कि रिफ्लेक्शंस कहलाती हैं। और ये सब आपको याद करना है, ये जब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको आगे काम करने में, कलर करने में परेशानी नहीं आएगी। तो आपको अपना बेस कलर याद करना है, उनके अंडरकोट्स याद करने हैं, देन आपको ये पॉइंट्स जो मैं आपको रिफ्लेक्शंस बता रही हूँ ये याद करने हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि हमें कौन से पिगमेंट को किस तरह कट करके जो है वो कलर बनाना है, तो हम कभी भी एग्जैक्ट कलर अचीव नहीं कर सकते हैं। मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ में ना आई हो, कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों का मिस हुआ हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, और मज़ीद इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अभी बहुत ये एक डीप वर्क है जिसे सीखना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो हमारी जो है वो अभी मज़ीद इसके ऊपर डिटेल क्लासेस आती रहेंगी, तो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ रहेगा ताकि आप बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखते रहिए और एक अच्छे जो है हेयर कलर आर्टिस्ट बन जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।